नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश हम पहुंच चुके हैं और पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल, जहां पे आज हम बात करेंगे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही सांसद भी हैं। उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आने वाले चुनावों को लेकर क्या तैयारी है, नगरीय निकाय चुनावों से कितनी उम्मीदें हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। सर, निकाय चुनाव है और जो लिस्ट है सबसे पहले कांग्रेस ने जारी की थी, कितनी उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं? नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें स्थानीय समस्याएं और स्थानीय बिंदुओं पर चुनाव लड़े जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम के जो महापौर के नाम हैं वो सब अपने सर्वे के आधार पर नाम उन्होंने तय किए पार्टी ने, और पार्टी ने बड़े विकेंद्रीकरण तरीके से, डिसेंट्रलाइज सिस्टम से सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्णय नीचे के स्तर पे, जिला स्तर पे हो जाएं, और अधिकांश जगहों पर निर्णय स्थानीय लोगों ने किए हैं। हमें अच्छी उम्मीद है, लोगों में नाराजी है। अभी जिला परिषद कुछ नतीजे आए जो कि कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के पक्ष चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। जी, और नाराजगी की आपने बात की, काफी नाराजगी देखने को मिली। ग्वालियर में जो जिलाध्यक्ष है वो इस्तीफे की बात करने लगे, भोपाल में यूथ कांग्रेस ने बकायदा प्रदर्शन किया था, तो ये नाराजगी दूर हो रही है या इसमें वक्त लगेगा? जहां तक ग्वालियर का सवाल है, नाराजगी दूर हो चुकी है। भोपाल में भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे तो उनको टिकट नहीं मिल पाया कुछ कारणों से, लेकिन उनसे चर्चा हो गई है। अब वो पूरी हिम्मत के साथ और उत्साह के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी, आपका एक बयान अभी हाल ही में सामने आया था, आपने कहा था कि जिनका टिकट कटा है वो मैंने काटा है और जिनका जिनको दिया गया है वो कमलनाथ ने दिया है, तो नीलकंठ की भूमिका में आप दिख रहे हैं। ये हमेशा मेरा काम रहा है, समन्वय स्थापित करना, लोगों को एक रखना, मैंने हमेशा इस बात को महत्व दिया है। जी, हाल ही में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है, खासतौर पर जो उपचुनाव के नतीजे आए, परफॉर्म कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही, और क्योंकि 23 में भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसके आप कैसे चुनौती देख रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा जी, थोड़ा सा ये बता दें कि चुनी हुई सरकार 2018 में बनी थी, खरीद फरोख्त किसने की? पैसे के बल पर आप सरकार बना के बैठे हो और आप हमें नसीहत दे रहे हो। बहुमत हमारे साथ था, पैसे के बल पर हमारे विधायकों को आपने तोड़ा, तो उसके आधार पर आप यहां कुर्सी पर बैठे हो, ये नसीहत देना बंद करें। जी, कैंपेनिंग में आप फिलहाल नजर नहीं आए हैं निकाय चुनावों की, आप चलिए मेरे साथ दिखाते। मैं भोपाल में कैंपेनिंग मैं कर रहा हूँ और जगह भी मैं कैंपेन कर रहा हूँ, लेकिन बात यही है कि सभी जगह सभी व्यक्ति नहीं जाते और इसमें लोकलाइज चुनाव होते हैं, तो लोकल लोग ही इसमें ज्यादा ज्यादा पार्ट लेते हैं। आपने जिस तरीके से बात की कि जो बनी बनाई सरकार है उसको तोड़ा गया, वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिला है, कल एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली है, मध्य प्रदेश का जो मॉडल था वो महाराष्ट्र में भी दोहराया गया है। मॉडल दूसरा है, खरीदने का मॉडल एक है, लेकिन वहां मध्य प्रदेश में जिसने दगा किया वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन वहां जिसने दगा किया वो मुख्यमंत्री बन गया, ये अलग अलग मॉडल है। जी, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो साध्वी प्रज्ञा सिंह से आप जो है हार का सामना आपको करना पड़ा था, 23 में भी चुनाव होने हैं, चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ उसको लेकर प्लानिंग है? 2023 में विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से चुनाव लड़ेगी, हमारी तैयारी शुरू हो गई है, लोगों में हमने संपर्क स्थापित किया है, मूल्यांकन किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो जनमत आएगा इतना आएगा कि खरीदने पर भी सरकार न गिरे कांग्रेस के पक्ष में। जी, ओवैसी भोपाल पहुंचे थे, बहुत सारे एलिगेशन लगाए आपके ऊपर और ये भी कहा कि आपकी वजह से सरकार गई,
और साथ ही जो अल्पसंख्यक का हितैषी बनने का दिखावा करते हैं ये भी कहा, और इसलिए कहा कि इसलिए ओबीसी की एंट्री जो है वो निकाय चुनाव में हो रही है। ओबीसी साहब को मैं जानता हूं जब से मैं आंध्र प्रदेश का इंचार्ज था, जनरल सेक्रेटरी था एआईसीसी का। ये पूरे तरीके से इसको व्यवसाय के रूप में लेते हैं, जहां उनका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए उनसे गठजोड़ करके और केवल कांग्रेस को कोसते हैं, भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते। आज पूरे देश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें जो अन्याय और अत्याचार कर रही हैं, उस पर ओबीसी जी मध्य प्रदेश में भाषण नहीं देंगे। उसमें अटैक उन पर करेंगे जो अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय में भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, उन पर वे अटैक करेंगे। लेकिन भाजपा जो कि अन्याय अत्याचार कर रही है, खुलेआम निर्दोष लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उस पर वो एक शब्द नहीं बोलेंगे जी। पूरे तरीके से भाजपा और ओबीसी जी का एक गठबंधन है जी, और इसीलिए आप बी टीम भी बोलते हैं बीजेपी की। निश्चित तौर पे एक बी टीम आम आदमी पार्टी है, दूसरी बी टीम ये है जी। कांग्रेस में गुटबाजी की बातें लगातार सामने आती रहती है। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि सब एकजुट हो जाने तो भी 23 में जो है उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। क्या अब सब कुछ ठीक है? बात यही है, मध्य प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार टिकट मांगता है तो वो स्वाभाविक है, हर पार्टी में रहता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम सबको एक रखें जी। कमलनाथ और आपके अगर रिश्तों की बात करूं तो वो मधुर है या कभी कभी रार की खबरें भी जो है वो आती रहती है, खासतौर पे तब जब आप किसानों के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे। शिवराज सिंह चौहान ने आपको वक्त नहीं दिया था, लेकिन कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ था, वो हैंगर पे शिवराज साहब ठहाके लगा रहे थे। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत माहौल गढ़ने में माहिर है। कमलनाथ जी और मेरा कम से कम 40-45 साल का संबंध है, हम एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, और मिलकर हम लोगों ने काम किया है कांग्रेस के पक्ष में हमेशा से, इसलिए वो कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपनी गुटबंदी जरा देख ले, जो हालात है, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद घर को देख ले जी। ऐसा कहते हैं कि बिना ड्राइवर के गाड़ी अगर चलती है तो एक्सीडेंट होता है। 2019 के बाद से कांग्रेस कुछ वैसी ही नजर आ रही है, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां पर सोनिया गांधी बिल्कुल स्थापित है, लेकिन वो परमानेंट कोई एक अध्यक्ष अभी तक नहीं मिला है। किसने कह दिया कि नहीं मिला है? वो हटी है क्या? हटी नहीं है, लेकिन फॉर टाइम कितनी पार्टियां हैं जिन पर चुनाव होता है मैडम? एक पार्टी बता दीजिए जहां चुनाव होके कोई अध्यक्ष बनता है, केवल कांग्रेस पार्टी। लेकिन आगे चलकर अध्यक्ष पद पे किसी और को देखेंगे? देखिए, ये तो निर्भर करता है कांग्रेसियों पे, आप भी आ जाइए कांग्रेस पार्टी में, अपना वोट दीजिए। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नेतृत्व मिल सकता है कांग्रेस को? अगर वर्कर्स चाहेंगे तो बिल्कुल बने, और अगर वो दो नहीं है तो फिर ऑप्शन कौन है? ये कांग्रेस के कार्य मेंबरशिप तय करेगी, मेंबर तय करेंगे, इलेक्टेड लोग तय करेंगे। गांधी परिवार से इतर कोई हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है जी, तो उसकी प्रक्रिया यानी आगे चल रही है। देखिए, बात यह है, नेहरू गांधी परिवार ने कभी महत्वाकांक्षा को आगे नहीं रखा, हमेशा से उन्होंने जो कार्यकर्ता चाहते उसी के आधार पर काम किया है। हर पांचवें साल हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, पहले 3 साल होते थे, 5 साल में होते हैं, तो हमारी इस चुनाव की प्रक्रिया चालू है और अगस्त सितंबर तक हमारे चुनाव पूरे हो जाएंगे जी। एक चीज और जो लगातार बीजेपी जो है वो उठाती है वो ये कि कांग्रेस जो है वो बुजुर्गों की पार्टी बनकर रह गई, युवा चेहरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। आने वाले वक्त में कोई बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? कल आप मेरे बेटे से मिली हैं जी, वो बुजुर्ग है कि युवा है? नहीं, बिल्कुल युवा है। फिर लेकिन अध्यक्ष पद पे या कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ? सचिन पायलट क्या थे? उप मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष भी थे प्रदेश कांग्रेस के। मैं खुद 38 साल का था जब मुझे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था।
जी आपने हाल ही में जो है हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद, मैंने कभी नहीं कहा ना हिंदू आतंकवाद का है ना भगवा आतंकवाद का, आपको गलतफहमी है लेकिन या आपको गलत फीड किया गया है। आरएसएस जिस के ऊपर जिस तरीके से आप एलिगेशन लगाते हैं, मैं संघी आतंकवाद कहा है मैंने, संघ कोई हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जी जी तो मेरा सवाल ये था कि आप संघ को लेकर जिस तरीके से आपने ये बात कही और उससे जुड़े जो लोग हैं, तो ये माना जाता है कि एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल गलत। मैं उन सबसे बेहतर हिंदू हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और सनातन धर्म की परंपराओं को मानता हूँ जो ये आरएसएस वाले नहीं मानते। ये लोग हिंदुत्व को हिंदू धर्म मानते हैं, ये गलत है। हिंदुत्व का लेना देना कोई हिंदू धर्म से नहीं है, आप समझिए ना। जी सिंधिया जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, माना जा रहा है कि आगे चलकर जैसे असम में हुआ जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो सीएम बने, वैसे सिंधिया भी जो है सीएम क्या बन सकते हैं? ये तो भाजपा के लोगों से पूछिए। जी एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कांग्रेस लगातार सवाल उठाती है कि वो बड़ी घटनाओं पर जो है चुप रहते हैं, जिस तरीके का हमने माहौल देखा था हाल ही में नूपुर शर्मा वाले केस में, इंटरनेशनल रूप से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भारत सरकार के ऊपर उठे थे, लेकिन हाल ही में जो समिट हुआ था उसमें हमने वीडियो देखा कि बाइडेन आके पीछे से नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही मैक्रो का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि किस तरीके से स्थापित हो रही है? बात यह है, आज के युग में हर घटना हर कदम को इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। बाइडेन साहब ने अगर उनसे हाथ मिला लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं जो यहां हो रहा है। स्वयं बराक ओबामा साहब यहां आए थे, तब आप पता लगा लीजिए कि वो क्या नसीहत देके गए थे। आप पता लगा लीजिए कि यहां की घटनाओं पर यूएस के सरकार ने क्या क्या नहीं कहा है, इंटरनेशनल एजेंसीज किस प्रकार से भारत में जो कि पत्रकारों की आवाज बंद की जा रही है उस पर क्या उन्होंने रिएक्शन दिया है, आप पता लगा लीजिए, उसके बाद आप बात करिए। जी 23 में मध्य प्रदेश से सीएम का चेहरा कौन होगा? कमलनाथ जी। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा? आप चाहती हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो बता दिया। ठीक है, साथ ही उदयपुर में जो हुआ उसके बाद आपने जो है गहलोत सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए, खासतौर पे इस चीज पर कि पहले से ही उस व्यक्ति ने शिकायत की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया था। ऐसा नहीं है, एक्शन पर पुलिस ने लिया था और पुलिस ने बुला के बातचीत की थी। स्वयं जिस व्यक्ति की निर्मम हत्या की है, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, उसने समझौता करके कहा था कि मेरा अब समझौता हो गया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी वहां पे गार्ड रखा गया था जिसको फिर समझौते के बाद विड्रॉ कर लिया गया। जी लेकिन इस घटना का मध्य प्रदेश में क्या असर आपको होता दिख रहा है, क्योंकि आने वाले बात यह है, इसको आप इस घटना को हर व्यक्ति ने इसकी इसका इसका इसकी निंदा की है। ये आतंकवादी गतिविधियों से कम नहीं है और जैसा कि राजस्थान मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का हाथ हो सकता है, तो ये गंभीर घटना है, इसकी तह पर जाना चाहिए। जी आपकी राजनीति की बात करूं तो मध्य प्रदेश तक रहेंगे या फिर आने वाले वक्त में जो है मैं तो दिल्ली तक रास्ता तय होगा? मैं तो हमेशा से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूं, उसी रूप में काम करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जो बातें उन्होंने कही, उदयपुर में जो घटना हुई उसको लेकर जो है निंदा, कड़ी निंदा, और जो भी एक्शन है वो सरकार ले रही है, साथ ही 23 में कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ भोपाल से आकांक्षा ठाकुर।